दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों प्रैक्टिस मुकाबले के तीसरे दिन में विराट कोहली से ही भिड़ गए जसप्रीत बुमराह और फिर तो मैदान में कुछ ऐसा हुआ कि देखकर हर कोई दंग रह गया। कोहली ने धड़कड़ बल्लेबाजी करी लेकिन बुमराह भी कम नहीं थे। आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कोहली और रोहित शर्मा में बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और लसिस्टरशायर की टीम के बीच में इस समय एक प्रैक्टिस मुकाबला खेला जा रहा है। क्रेस रोड के इस मैदान में भारतीय क्रिकेट टीम और दूसरी टीम के भी खिलाड़ी मजे लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब कोई भी किसी भी टीम से खेल रहा था तो बुमराह भी दोस्तों लसिस्टरशायर की टीम की तरफ चले गए। आज के दिन में तीसरे दिन के खेल में विराट कोहली मैदान में अपना बल्ला आजमाने आए और जब भारतीय क्रिकेट टीम संघर्ष कर रही थी तब दोस्तों विराट कोहली ने ऐसी घातक बल्लेबाजी कर दी कि हर कोई उनका फैन हो गया। दोस्तों एक लंबे अरसे बाद विराट कोहली अपनी पुरानी फॉर्म में नजर आए। टेस्ट को वनडे बनाकर विराट कोहली ने अपना 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। मात्र 22 गेंदों के अंदर ही उनका स्कोर 22 भी पार कर चुका था। बड़ी तेजी से अपनी पारी में विराट कोहली ने बुमराह को ही एक शानदार छक्का जड़ दिया, उसके बाद दो चौके भी लगाए। तेजी से विराट कोहली अपने 50 तक पहुंच रहे थे और ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली का 50 पूरा हो ही जाएगा, जिसके बाद ऐसा मुमकिन हुआ भी। विराट कोहली उस समय पर दोस्तों शार्दुल ठाकुर के साथ अपनी पार्टनरशिप को निभा रहे थे। शार्दुल ठाकुर ने भी 238 गेंदों में 28 रन बना दिए थे। इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप भारतीय टीम को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रही थी। भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी इनिंग में लगभग 250 रन पूरे कर लिए थे और इसी के साथ दोस्तों पूरा हुआ विराट कोहली का 50। पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कप्तानी के अंदाज में ही अपना 50 पूरा किया। पूरे 5 चौके जड़ दिए थे अपनी पारी में और बड़ी शान से अपने शतक की तरफ बढ़ते चले गए। इस बीच दोस्तों विराट कोहली ने एक और शानदार छक्का भी लगाया। 5 चौके और 2 छक्के लगाकर विराट कोहली बड़ी आसानी से अपने आप को 67 तक पहुंचा चुके थे, वो भी मात्र 98 गेंदों में। 200 टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से ये वाकई में बहुत अच्छी पारी चल रही थी और विराट कोहली का शतक लगभग कन्फर्म था कि तभी बुमराह ने विराट कोहली और विराट कोहली के फैंस की उम्मीदों पर पानी भी फेर दिया। दोस्तों मानना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह ने अपना बदला लिया, चाहे देर से लिया। विराट कोहली को आउट करने के लिए बुमराह ने स्लोअर गेंद का इस्तेमाल किया। युवा के पारी के 71वें ओवर का है। विराट कोहली ने अभी एक गेंद पहले ही बुमराह को चौका लगाया था, लेकिन इस बात से अनजान विराट कोहली कि बुमराह स्लोअर गेंद का इस्तेमाल कर लेंगे, वो बल्लेबाजी कर ही रहे थे, अपने शतक की तरफ बढ़ ही रहे थे कि बुमराह की गेंद पर दोस्तों वो कैच आउट हो गए और उनकी पारी 67 पर समाप्त हो गई। हाँ, विराट कोहली थोड़े से भावुक जरूर थे क्योंकि हम तो सब विराट कोहली के बल्ले से शतक देखना चाहते हैं, वो चाहे प्रैक्टिस मुकाबले में ही क्यों ना हो। और विराट कोहली भी अपने आप को साबित करना चाहते थे और विराट कोहली जैसा महान खिलाड़ी अपने आप को छोटी मोटी पारियों से नहीं बल्कि शतक से ही साबित कर सकता है। खैर दोस्तों, कोहली की पारी की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और अब बुमराह की गेंदबाजी की भी, क्योंकि उन्होंने कोहली को जो आउट किया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कोहली की बल्लेबाजी और बुमराह की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।